अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, वर्ल्ड हेडलाइन के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, सर्दी का मौसम है और सर्द मौसम में नजला, जुकाम और खांसी जैसी बीमारियां आम हैं। इस मौसम में नाक बंद रहना भी मामूल है। आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसे घरेलू टोटके बताएंगे जो कि बंद नाक को फौरी खोल देंगे। दोस्तों, बहती नाक आम तौर पर सर्दी की पहली और परेशान कुन निशानी समझी जाती है, जो छींकें बार बार आने की वजह से बहना शुरू करती है। दरअसल नाक भरी होती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना होता है। नाक ज्यादा बलगम पैदा करके वायरस से छुटकारा पाने की कोशिश करती है, लेकिन 5 घरेलू तरीके ऐसे भी हैं जो इस परेशानी से निजात में आपकी मदद कर सकते हैं। ये घरेलू टोटके बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। दोस्तों, नंबर 1 पर हम आपको बताते हैं प्याज के इस्तेमाल के बारे में। प्याज नाक की बंदिश को दूर करने के लिए सस्ता और मौसर घरेलू इलाज है। आपको सिर्फ एक प्याज को आधा काट कर बिस्तर के पास प्लेट में रखना है। ये अमल भरी हुई नाक में मौजूद बलगम को नरम कर देता है। इसके लिए पिसा हुआ लहसुन भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे आपकी बहती नाक वाली मुश्किल आसान हो जाएगी। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है भाप। दोस्तों, भाप भरी हुई नाक के लिए एक बेहतरीन घरेलू इलाज है। गर्म भाप लेने से बहती नाक ठीक हो जाती है, क्योंकि ये झिल्लियों को नरम करती है और नाक में मौजूद रतूबत को माया की शक्ल देती है। इसके अलावा भाप लेने से खून की फराहमी भी मुनासिब हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ में कमी आने लगती है। हमारी लिस्ट में बहती नाक को रोकने के लिए तीसरे नंबर पर है नमी। दोस्तों, अगर आपकी नाक बंद है तो नमी आपकी अपनी चार दीवारी में हवा के मयार को बेहतर बनाने में मददगार है। ऐसा करने के लिए अपने हीटर पर पानी का एक छोटा सा प्याला रखें और इस पर नम कपड़ा रखें। हवा में नमी में इजाफा खुश्क झिल्लियों के खिलाफ एक साबित शुदा इलाज है और सांस लेने में आसानी पैदा करता है। बहती नाक से छुटकारा पाने के लिए चौथे नंबर पर आपको बताते हैं पानी के ज्यादा इस्तेमाल के बारे में। पानी का ज्यादा इस्तेमाल भी बहती नाक से छुटकारा पाने के लिए इंतहाई मुफीद अमल समझा जाता है। दोस्तों, पानी बगैर चीनी की चाय या सब्जियों का शोरबा नजला और जुकाम के लिए बेहतरीन है। जब आपको जुकाम होता है तो आपका जिस्म ज्यादा स्याल से महरूम हो जाता है। ताहम ज्यादा पानी या चाय वगैरह का इस्तेमाल खास तौर पर बलगम की झिल्लियों को सही हालत में रखने, बलगम को माया करने और इसे बेहतर तरीके से मुंतकिल करने के लिए अहम है। 5वें और आखिरी नंबर पर आता है रेड लाइट ट्रीटमेंट। दोस्तों, बहती नाक के मसले से छुटकारा हासिल करने के लिए इसका इलाज एक खास रेड लाइट लैंप से भी अंजाम दिया जा सकता है। ये रेड लाइट लैंप आपको फार्मेसियों या ऑनलाइन भी मिल जाता है। इस लैंप की गर्म और आरामदेह रोशनी नजले और जुकाम की अलामत को कम करने, वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आप भी बहती नाक से परेशान हैं तो ये घरेलू टोटके आजमा कर हमें रिजल्ट जरूर बताइएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगेबान।